महाराष्ट्र में लगभग कई मोची है जिन्हें अपने स्टॉल फुटपाथ पर लगाने का परमिशन नहीं दे रही है। बीएमसी द्वारा मोचियों को एनओसी नहीं मिल रही है। 24 वार्ड में से लगभग 506 लाइसेंस रद्द हो गए हैं। इसलिए 25 जुलाई के दिन विधान भवन पर चर्मोद्योग कामगार सेना द्वारा मोर्चा निकाला जाएगा। इस मोर्चे में कई लोग सहभागी रहेंगे। इस बात की जानकारी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रकांत कांबड़े ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस द्वारा दी। ने जो 25 जुलाई को मोर्चा निकालने वाले हैं, वो हमारे चर्मकार समाज की ओर से निकल रहा है। ये मोर्चा विधान भवन पे डायरेक्ट घुसने वाला है, क्योंकि हमने सरकार को निवेदन दिया, आवेदन पत्र दिया, उसके बारे में उनके साथ बैठक लिया, और बैठक लेने के बावजूद भी गए अधिवेशन में उन्होंने हमको कहा था कि तुम्हारी जो मांगनी है वो हम पूर्ण करेंगे, लेकिन उन्होंने वो एक भी मांगनी कुछ पूर्ण नहीं की, और हमारे ऊपर जो अन्याय हो रहा है उसके खिलाफ हम लोग विधान भवन पे मोर्चा निकलने वाले हैं। पहली हमारी मांगनी है, जो हमारे गटे चर्मकार रास्ते के ऊपर बैठते हैं उनको पहला स्टॉल मिलना चाहिए। दूसरी मांगनी हमारी ये है, जो स्टॉल मिलता है वो स्टॉल के लिए परवाना लगता है, लेकिन वहाँ की जो महानगर पालिका है, वैसे अपनी ग्राम पंचायत है, वो हमको एनओसी देती नहीं है, इस वजह से हमको स्टॉल ही नहीं मिलता। तो सरकार को एक ही कहना है कि आप हमको स्टॉल दे रहे हैं, जो योजना लाए हैं, लेकिन इस योजना के बारे में, योजना में हमको जो परवाना ही नहीं, तो हमको स्टॉल कहाँ से मिलेगा। इसलिए हमने ये जो मांगनी उनको डालने वाले हैं। दूसरी महत्व की मांगनी हमारी चर्मकार आयोग, चर्मकार आयोग की जो स्थापना होनी चाहिए। हमारा जो 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 हमारी मांगनी है, ये आयोग के तरीके हम आपके पास आएंगे, और चर्मकार आयोग होना चाहिए, ये हमारी मांगनी है। तीसरी हमारी मांगनी ऐसी थी कि संत गुरु रविदास महाराज जी का पुरस्कार हर साल बांटते थे, अभी 3 साल हो गया उन्होंने संत रविदास महाराज का पुरस्कार नहीं दिया, तो वो खाली एक ही पुरस्कार बांटते थे। तो हमने कहा कि 36 जिले से 36 आदमियों को वो पुरस्कार बांटना चाहिए, ये हमारी मांग। सिर्फ मुंबई में 7,942 लोग बैठते हैं, उसमें से 2,500 लाइसेंस बांटे हुए हैं। अभी हॉकर जोन, नॉन हॉकर जोन, इसके ऊपर कम से कम 2.5% लाइसेंस हॉकर लोग को देने वाले हैं, तो इसकी प्रतीक्षा में हम लोग बैठे हैं कि 2.5% बढ़े तो 2,50,000 लाइसेंस बांटने वाले हैं, और ऑफिशियली जो हॉकर्स है उसकी संख्या खाली 1.25 लाख है, तो उसमें हमारा नंबर लग जाएगा। तो ये महानगर पालिका भी वो इम्प्लीमेंट कब करेगी, इसकी हम लोग राह देख रहे हैं। इस विषय को लोग हम लोग सीएम को मिलने वाले हैं, डिप्टी सीएम को मिलने वाले हैं, समाज कल्याण मंत्री को मिलने वाले हैं, सभी को मिलके हमारी जो योजना है वो उनके ऊपर हम डालने वाले हैं। इस मोर्चे के बाद उन्होंने मांगनी पूर्ण की नहीं, तो पूरे महाराष्ट्र में जिलाधिकारी कार्यालय के ऊपर मोर्चा लाएंगे। उसके बाद में हर जिलाधिकारी का 15 अगस्त हमारा डेडलाइन है, 15 अगस्त के बाद जेल भरो आंदोलन पूरे महाराष्ट्र में होने वाला है।